मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। अवर न सूझे दूजी ठाहर, हार पर्यो तो द्वारी। लेखे छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण लेहो उबारी। सद बख्शंद सदा मेहरवाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछे परयो, राख लेहो ए बारी। नानक दास संत पाछे परयो, राख लेहो ए बारी। हाजरा हजूर जहरा जहूर, सर्व कला भरपूर, चवर चतर थकत दे मालक, तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र निकी गोदा आनंद माण रहे गुरु प्यारी साध संगत जी। आओ एक बारी गुरबाणी कथा विचार प्रारंभ करने तो पहला तन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पाइए। सारे मन बिरतियां करो एकागर, ते साहिबां नूं झुकाओ शीश ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां दल भंजन गुर सूरमा बड़जो दाभो पर पुकारी, मेरी पीरी दे मालक श्री अकाल तख्त साहिब जी दे उचरइए। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जिन्हां दा बंदी छोड़ दिवस मनाउंदिया होया अमृत वेले तो ही दीवान सज रहे हैं। विशेष तौर पर जो शाम के दीवान 4 बजे तो आरंभ हैं तो हुण तक चल रहे हैं, आप संगत वड्डी गिणती आ के गुरु महाराज की हजूरी में नतमस्तक हो रहे हो, गुरु घर दियां रौनकां वधा रहे हो। अज का जो ये दिवस है, आप जी ने इतिहास पता है, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी जदों आगरे के किले तो 52 राज्यां नूं छुड़ा के अज दे दिन जदों श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब विखे पहुँचे हैं तो बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी होर संगतां ने खुशी विच दीपमाला की। तो जदों असीं भारत की धरती का इतिहास देखते हाँ, धर्म के हिसाब के नाल सदियां पुराना जो एक मत है सनातनी मत सब तो पुराना है, उस तो बाद जैन मत, बुद्ध धर्म, फिर उस तो बाद सिख धर्म होंद विच आया। सब नालों जो पुरातन धर्म है भारत की धरती ते वो है सनातनी धर्म, और सब नालों जो नवीन धर्म है नवा धर्म है सिख धर्म। इसी तरह जिवें मिडल ईस्ट दे विच सब तो जो पुराना धर्म है यहूदी धर्म है, उस तो बाद परशियन धर्म है, फिर तीसरे नंबर ते यहूदी धर्म आ जाता है, फिर उस तो बाद इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियनिटी तीजे नंबर ते, चौथे नंबर ते, फिर इस्लाम। सब नालों पुराना जो मिडल ईस्ट विच धर्म है वो आप कह सकते हैं कि यहूदी धर्म है, तो नवीन दे विच आ जाता इस्लाम। तो अज जो जड़ा असी बंदी छोड़ दिवस मना रहे हाँ, इसका संबंध दीपमाला दे नाल है। तो तकरीबन सारे ही धर्मों के अंदर कोई ना कोई ऐसा इवेंट है जड़ा के कैंडल्स लाइट के नाल संबंधित है। सनातन मत के अंदर हजारों सालों तो ही जो आप जी को पता है कि श्री रामचंद्र जी जो अपने धर्मपत्नी सीता जी ते भ्राता जी श्री लक्ष्मण जी के नाल 14 साल का बनवास कट के जो अयोध्या की धरती आए तो अयोध्या नगरी के वासियों ने उन्होंने आने की खुशी में दीपमाला की। दिवाली ये जो है त्यौहार मनाया जाता है बड़ी श्रद्धा के नाल उत्साह के नाल। तो इस तरह सिख धर्म के अंदर साहिब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी के 52 राज्यों को रिहा करवा के आगरे के किले तो आने जो ये बंदी छोड़ दिवस के रूप में दीपमाला की गई, ये जो त्यौहार है सिख धर्म के अंदर भी बड़ी श्रद्धा भावना के नाल ते उत्साह के नाल मनाया जाता है। पर धर्म ये जो इतिहासक दिहाड़ा है ये है रिहाई के नाल संबंधित,
गुरु साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी रिहाओ किया तो मनाने ना तो वह गिरफ्तार होए क्यों कारण की सन उन्होंने गिरफ्तारी दे गल तो यह विचारन वाली है। बंदी छोड़ दिवस से उन्होंने रिहाई की खुशी मना रहे हैं ना तो मना रहे हैं दीपमाला कर रहे हैं पर इच्छे ये पिछे कारण की सन इतिहास की है कि छेवें पातशाह जी ने जो आगरे के किले में जाना पाया इतिहास की है। यह इतिहास गुरु नानक देव महाराज तो ही शुरू होंदा है क्योंकि बाबर के ते बाबिया की शुरू तो जड़ी है ये चलती आ रही है। सिख धर्म के अंदर एक सिद्धांत है पहला अपील है फिर दलील है फिर शमशीर है। पहला अपील समझाया जाता है गुरु नानक देव महाराज ने आख्या बाबर नू तू बाबर जाबर है तू क्यों जुल्म करना है जनता ते क्यों बेकसूरां दी जान लेना है और मूँह ते आख्या बाबर तू जाबर है इतनी दलेरी। ये गुरु नानक दे घर दी ही ये वड्याई है कि सच नू सच कहना ते समय अनुसार कहना ते मूँह ते कहना। समा आया गुरु अंगद देव महाराज जी का शेरशाह सूरी तो हार खा के जरों हमायूं आया ना आशीर्वाद लैन गुरु साहब जी का गुरु अंगद देव महाराज जी का गुरु अंगद देव महाराज ने जान के अणगोलिया किया बच्चों का घोल देख रहे सन तो आ के हमायूं थोड़ी देर खड़िया गुरु साहब जी ने ध्यान ना ना दिता तो फिर उन्हें शमशीर के मुठ्ठे के हाथ पा लिया भाव के गुरु साहब से कृपान कढ़न लगा तो गुरु साहब जी ने उदों ही मुस्कुरा के आख्या हमायूं जिथे तो यह कृपान कढ़नी सी उत्थे तू डर के आ गया है शेरशाह सूरी को हार खा के आ गया है मैदान जंग दे अंदर कोई जोर दिखाता तो इतने आके तू फकीरां ते कृपान कढ़दा ये सच जिहड़ा बोलण की अपील करन की जिहड़ी जरूरत है ना ये गुरु साहब जी ने सानू सिखाई। गुरु अमरदास महाराज जी को आया अकबर वड्याई सुन के कि यह गुरु नानक की तीसरी जोत हैं तो आके कहना मैं दर्शन करने हैं तो गुरु अमरदास महाराज ने आख्या भी इसनों आखो जो दर्शन करने ने ना संगत आना है तो पहला पंगत विच बैठ के लंगर छक पहला पंगत फिर संगत सिद्धांत बड़ा उच्चा है तो सारे में बराबर है चाहे कोई राजा है चाहे प्रजा का कोई बंदा आ गया अमीर है गरीब है सब के लिए सिद्धांत एक है गुरु घर का। देखो बादशाह वो पूरे देश का है भारत का बादशाह अकबर तो जिहड़ा खाना चैक किया जाता कि जहर ना हो जी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है खाना एवं नहीं खवाते कि जहर ना हो रसोईया भी पहला खाता सी चखता सीगा भी मैं खाधा भी ठीक है फिर राजे नूं दिता जाता है तो गुरु साहब जी के दर्शनों की तांग रखद हो गुरु साहब ने कहा पहला पंगत च बैठ के लंगर छक कोई चैकिंग नहीं कोई कुछ नहीं खाना किस तरह का है संगत उस तरह बैठ के उन्हें लंगर छकिया फिर आके गुरु साहब जी दर्शन होए। यह अपील दलील भी है गुरु अर्जन देव महाराज जी आखन लगे जदों जहांगीर ने बुलाया ना लाहौर तो गुरु साहब जी ने दूर दी सोच लिया भी अहंकारी लोग ने रासता का बड़ा इन्हों हंकार है तो इन्होंने कदे भी निम्रता दे नाल साड़ी गल नूं सुनना नहीं पर उन्होंने आख्या गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं अपने साहबजादे नूं कि साड़ा जाना है असां दा होवा जाना उन्हें करनी है हुजत शीर है छुटना संस्था नहीं कोई रजाइश खावन दी है इस तरह होए पर जो असीं जावांगे समझावांगे अपील करांगे दलील करांगे उहदे नाल गलबात करांगे जे ना समझे तो साड़ी शहीदी होनी है जो शहीदी होएगी तो उस तो बाद तुसीं जदों तख्त ते बैठना ना गुरु तख्त गद्दी ते बैठना तो कृपान पह के पहन के बैठना है कृपान एक नहीं दो पहननियां ने जिहड़ी कि धर्म की भी राखी करे तो राज की भी राखी करे। तो इस तरह होया गुरु अर्जन देव महाराज जी ने शांति दे नाल पर दृढ़ता दे नाल खलो के शहीदी दिती है तो असीं इह चलदे होइआं गुरु घर दा सिद्धांत है अपील दलील फिर शमशीर। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या चूंकार अजहमा हिल ते दरगुजस्त हलाल अस्त बुरदंग बा शमशीर ए दस्त जदों हिले उसीले गल दे सारे मुक जाण ते उरो फिर जिहड़ा कृपान दे मुठ्ठे नूं हट पाउणा उह जायज़ है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने फिर दो कृपाना पहनिया जो गुरु तख्त गद्दी ते बैठे तो उदों दे जिहड़े ढाडी ने भाई नत्था ते अब्दुल्ला जी ने उन्होंने बड़ी वड्याई कीती है नाल दा बादशाह जिहड़ा समकाली बादशाह जहांगीर चल रहा है छेवें पातशाह दे नाल ते देखो तुलना जिहड़ी है तशबीह देंदिया होया उन्होंने ढाडी समारां च गाया
दो तलवारी बदियां एक मीरी दी एक पीरी दी एक अजमत दी एक राज दी एक राखी करे वजीरी दी हिम्मत बहां कोटगढ़ दरवाजा बल्ख बकीर दी ना छपाई नीलगढ़ मार दुष्टा करे तागीर जी। फिर देखो तुलना की उन्हें पग तेरी की जहांगीर दी पग दस्तार जड़ी है ना ये अण ते आन शान बांध की निशानी होंगी है। तो उन्होंने सिफत करते हुए आख्या कि गुरु साहब जी पग तो तुहाडी है शान वाली उच्ची सच बोलने वाली सच कहन वाली जहांगीर की कड़ी पग सच्चाई की गल दलील अपील तो शमशीर। जदों गुरु साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने शाशां के अधीन साजिश के अधीन जड़ा है उत्थे आगरे बुलाया है शाह जहांगीर ने मन में यही है कि इन्हों खत्म करना है। खत्म करने का कारण की है यही है कि जड़ा उन्होंने मीरी पीर दो तलवारा पहनिया तो अकाल तख्त उसकी सृजना की सी उस दिल्ली के तख्त के मुकाबले तो अकाल तख्त सच का तख्त वो झूठ का तख्त ये अकाल सच का तख्त जड़ा है ना ये पिछे कारण सन। गुरबाणी का सिद्धांत सच का सच से पहरा देना तो सच मूँह से कह देना चाहे वह राजा है कोई भी है तो मजलूमों की राखी करद हो इस जो हरगोबिंद साहब महाराज ने बुलाया है इतिहासकारा ने बड़ा कुछ लिखा है ये भी आख्या भी जहांगीर जड़ा बीमार सी तो उन्होंने किसी ने कहा उन्होंने मुला मुलाणिया ने वजीर ने बी जे कि थोड़ी खातर कोई महापुरुष जरा चलिया कट्टे थोड़े लिए तो वह जड़ा है फिर आप जी ठीक हो सकते होगा थोड़ा बहुत कारण ये पर कारण यही सी कि अकाल तख्त की सृजना हो चुकी सी ते जड़े फैसले सन वह सारे लोग आके अकाल तख्त साहब से गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की हजूरी में अपने जड़े केस नबेड़ते सन कोई भी लड़ाई झगड़ा है ना उन्होंने छड़ दी सी आस दिल्ली के तख्त की अकाल तख्त की शरण में आ गए सन तो यही कारण सन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की गिरफ्तारी दे जो गिरफ्तारी हुई है तो उत्थे जिहड़ा दरोगा है ना दरोगा आगरे के किले का इतिहास नाम आया हरदास हरिदास जड़ा है गुरु साहब जी की शख्सियत तो इन्ना प्रभावित होया गुरु साहब जी गुरु नानक देव महाराज के दर घर की वडियाई उन्हें सुनी सी तो गुरु साहब जी ने जो आके उत्थे सवेरे तो शाम के दीवान लगने शुरू होए गुरु साहब जी का उपदेश सुन के चरणों में मत्था टेकता है तो गुरु घर का श्रद्धालु बनया तो गंग जड़ा चंदू है उत्थे फिर जड़ा है चलना चलता है उन्हें एक चोला तैयार किया चोड़े नूं पा दिती गई जहर दी उस जहर दा पा दिता होया कुड़ता आके कहिंदा दरोगे नूं कि इह तूं गुरु साहब जी नूं पवाउणा है तां उहने कहा भी है किस तरह दा इह कि कहिंदा राजे ने भेजिया वजीर जहांगीर ने ते दरोगा हरिदास कहिण लगा भी राजा क्यों भेज रहा है उस ते कहिंदे भी इहदे नूं जहर लगी है जिवें जिवें गुरु साहब जी पहन के चलणगे तुरनगे उन्होंने टाइम बतीत होएगा उस स्किन के नाल जिवें जिवें टच होएगा तो वह अंदर पॉइजन जाएगी तो गुरु साहब जी कुछ समय बाद ही पूरे हो जाएंगे ये अंदर जड़ा है खोटी नीति है तो हरिदास जड़ा है दरोगा उस जिवें पुलिस जड़ा है जिवें अज कह लिए जेलर कह लिए इस तरह का दरोगा जड़ा है जो इंचार्ज है सारे कैदियों के उपर तो उन्हें कहा भी यह नहीं हो सकता अगे गुरु अर्जन देव महाराज ने तुम इस तरह शहीद किया तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने मैं चोला नहीं देंगा तेरा काम सी फड़ा के जाना अगो देना कि देना है मेरा काम है मैं जाना तो जोड़े उत्थे कैदियों रोटी भी दी जाती सी ना वो भी जहर होंदा सीगा स्लो पॉइजन कच्चा जहर कहिंदे सी हौली 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 क्योंकि वह स्पैशल जगह सी वह जगह जिथे केवल तो केवल राजा नूं ही रखिया जांदा सी जिहड़े बगावत करदे सन जिन्हां हुकूमत नूं जिन्हां तों डर लगता सी ना उन्हां नूं उत्थे बंद किया जाता सी आम कोई डकैत कोई चोर कोई इस तरह का कतल केस करने वाला कोई चोर उत्थे इहो जिहा कातल नहीं सी रखिया जाता उहदे राजसी शरण जिहड़े आ उन्हां नूं उत्थे रखिया जाता सी राजा महाराजा नूं जिहड़े अंदर ते आ जांदे सन कैद ते किते जांदे सन दुबारा वापस जिंदा नहीं सन जांदे हौली हौली उन्हां नूं अंदर मार दिता जांदा सी ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी जिहड़े उत्थे उस समय अंदर कैद हन सवेरे शाम संगत जुड़न लगी है सवेरे शाम जो कीर्तन होने लगा है तो इस तरह समा जो है बतीत हो गया कई महीने लंघ गए इतिहासकारा ने तो इतों तक भी लिखा भी ढाई साल लंघ गए या सत्त साल बारह साल का भी समा लंघे इन्ना उन्होंने जेल हुई पर इन्ना होया नहीं समा थोड़ा घट है कुछ महीने या साल ये जोड़ा है गुरु साहब जी उत्थे रहे तो जो उन्हों की रिहाई हुई है समा हो गया शायद इशारा भी मैं हो गया तो बाबा बुढ़ा जी जिन्ह ने
एक लहर शुरू की कि किवें असी गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज को उस कैद विचों छुड़ाना है, क्योंकि उस तो पहला गुरु अर्जन देव महाराज की शहीदी हुई है तो सानू उन्होंने पता है भी जी मुगल सल्तनत है किस तरह जी है सच की आवाज़ को दबाने के लिए यह कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक डिग सकती है। तो इसलिए गुरु बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी ने मुहतबर सिखा के नाल सिखा जागरूक किया पंजाब के, उन्होंने जड़ा है चौंकियां कड़निया शुरू कीतियां। चौंकियां दे दौरान गुरबाणी का कीर्तन हुंदा है, पिंड पिंड जाके उन्होंने कीर्तन करना, संगत कट्ठी होनी तो उन्होंने कहना भी गुरु अर्जन देव महाराज तो शहीद हो गए ने, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को कैद विच पा दिता है तो असीं उन्होंने छुड़ाना है, उन्होंने रिहाई लई यतन करिए। इस तरह एक एक पिंड पिंडां तो होर जथे बन के होर पंजाब के पिंडां विचों जिवें आ किसानी मोर्चे वेले एक लहर बनी सी ना, ये जिहड़ी सोच है गुरु साहब जी वेले दी चलदी पई है, लहर उठी एक ते बाबा बुढ़ा जी अपने होर संगियां दे नाल सिखां दे नाल आगरे की धरती ते आए। उत्थे आके उस किले दे कोल आके जदों ने बाहर आके परिक्रमा करदिया होया शीश नवा के जदों मत्था टेकिया ना, हरदास दरवाजा दुर्गा कहिंदा भी तुसीं इत्थे किवें आए, तुसीं मत्था क्यों टेकिया है। बाबा बुढ़ा जी ने आख्या भी जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए से जंद पए हरियावले, जिन्हें मेरा सतगुरु देखिया जाए। उदों फिर जी है उत्थे इस तरह जागरूकता करदिया होया उन्होंने कहा भी साड़ी आवाज़ जी है ना जहांगीर तक पहुँचावो पहुँचाओ, उन्होंने दसो कि असी सिख आए हाँ तो गुरु महाराज की रिहाई लई असी इस तरह उन्होंने लैके ही जाना नाल। सो इतिहास बहुत लंबा है, ये चौंकियों का भी बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है साडा, साड़ी इतिहासक चौंकियां ने, नितनेम की चौंकी है, कीर्तन दियाँ चौंकियां हैं, साड़ियाँ इतिहासक चौंकियां हैं, यात्री चौंकियां हैं, जिस दौरान संतां पिंडां तो अद्धी रात में उठ के इशनान करके गुरुद्वारा साहब वल आउंदियां ने, इतिहासक गुरुद्वारे वल तरन तारण साहब अमृतसर साहब खडूर साहब जांदियां ने, अज भी जांदियां ने। तो यह जिहड़ियां इतिहासक चौंकियां इतिहासक ये साड़ियां कीर्तन दियाँ चौंकियां ने, चौंकियां यह नहीं कि किसी पौन आ गई सिर मार लग गया खोल के, यहोजे लोगों को चौंकियां आउंदियां ने, पर सिख धर्म यही प्रमाण नहीं, साड़ियाँ चौंकियां तो नितनेम दियां ने। तो अज फिर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी जो अज के दिन हरिमंदर साहब आए हैं दरबार साहब, बाबा बुढ़ा जी ने फिर जोड़ा है इस तरह चौंकी कढ़द उन्होंने सन्मान सत्कार किया है, तो संगतान इस तरह आके उन्होंने अगों होकर मिले ने, तो शाम के वेले शाम रात के वेले जोड़ा है दीपमाला की गई। ये अज वह इतिहास है, इतिहास होर बढ़ा के लंबा चौड़ा है, पर समय की जड़ा है समा समाप्त होया है, तो भाई साहब जी आ चुके ने, सो इतनी बेनती प्रवान करनिया जी, गज वज के फतेह ना सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।